हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी ने मैक्सा मिनिमा की फर्स्ट क्लास अटेंड कर ली थी और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक करवाया था। और अब बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से 18 अच्छा 18 तो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 से आपको करवाता हूँ। ठीक है, 19 से पहले 20, पहले 20 करते हैं फिर 19 करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया के आगे गिवन लिखा हुआ है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। लो जी, सबसे पहली बात आपसे बोला गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है जी। अब बच्चों, ये जो आपने मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पूछा, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्लोज सिलेंडर होता है, ये ध्यान रखना है, यानी ऊपर नीचे से बंद है। इसकी रेडियस बच्चों आर मान के चलूंगा और इसकी हाइट एच, तो यहां पे लेट करो, लेट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो माना आर आर एंड द हाइट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या मानेंगे, एच। नाउ अब उसने बोला गिवन सरफेस एरिया, हमें ना सरफेस एरिया बच्चों गिवन है, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो क्या होता है बच्चों, देखो एक तो होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस, और क्या है, एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर, तो दोनों सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर तो दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया एस बराबर 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल आर भी है, वेरिएबल एच भी है, तो हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो आर की वैल्यू निकालो या तो एच की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एच यहां पर बच्चों अकेला है, और जब एच यहां पर अकेला है तो इसको सेपरेट करना आसान होगा। कैसे, प्लस का 2 पाई आर इधर आके माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर, बचा 2 पाई आर एच। एच को अकेला करना है तो ये हिस्सा मल्टीप्लाई कर रहा है, और इधर आके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड 2 पाई आर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए H हो गया, अब H की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, लेकिन हमें क्या सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, नहीं, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी है बच्चों, जो भी है पुट कर दो, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, वी 2 बाहर होएगा, आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, एस आर माइनस एस 2 पाई आर स्क्वायर, और आर तो क्या बन जाएगा, आर की क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि आर जब मल्टीप्लाई करेगा तो एस से भी करेगा और इससे भी करेगा। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे बच्चों, आर के, क्योंकि आर ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वो वेरिएबल है। तो चलिए डीवी अपॉन में डी आर बराबर 1/2, एस आर का बन जाएगा एस, आर का बन जाएगा 1 माइनस 2 पाई आर, आर क्यूब का क्या बनेगा, पावर आगे एक कम, तो डीवी अपॉन में डी आर 1/2 एस माइनस 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर ये बन गया। नाउ अब हमने क्या सीखा है कि जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाए तो इसको 0 के बराबर उठाइए, यहां पे 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। 2 यहां पे डिवाइड करता, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 यहां पे डिवाइड कर रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई, खत्म खत्म। एस हां जी, माइनस का 6 पाई आर उधर जाके प्लस का 6 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका आ गया बच्चों एस, ये आपका क्या आ गया बच्चों एस। ठीक है, तो चलिए अब एस आ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है जी, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, तो
तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा, दोबारा डेरिवेटिव यहां से करना है, ठीक है। तो कीजिए, 1 बाय 2 अपनी जगह पे, 1 बाय 2 एस अकेला है, 0 माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का क्या बनेगा, पावर आगे एक कम, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर 1 बाय 2, हाँ जी 6 टू जा माइनस 12 पाई आर, तो ये इससे कटेगा 6, तो बच्चों वैल्यू आ गई माइनस में, यानी कि लेस देन 0। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है लेस देन 0, तो हम क्या कहेंगे, सो द वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम ऑफ क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, हाइट को डायामीटर के बराबर प्रूफ करना है, और डायामीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का डबल होता है, क्या होता है, रेडियस का डबल। सो एच बराबर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, यही है ना। तो जल्दी बताइए एस की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 6 पाई आर स्क्वायर, तो बस बात खत्म। 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, और ये 2 पाई आर, 2 से 4 कट रहा, 2 पाई से पाई, आर से आर, तो एच बराबर 2 आर। तो देखिए क्या 2 आर डायमीटर होता है, जी बिल्कुल होता है, तो हमारे पास आंसर आया एच बराबर 2 आर, ठीक है, एच बराबर 2 आर, नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ओहो ये लीजिए भाई, पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के अंदर कह रहा है एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बना दिया जी, हाँ ये ऐसे। आपको बस ये मैं बता दूं कि जो बच्चों इसका डायगोनल होगा ना, जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो ऑलवेज कहां से जाएगा, वो इस सर्कल के डायमीटर यानी सेंटर से होता हुआ जाएगा, क्या होता जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, ठीक। तो अगर मैं लेंथ को मान लेता हूं एल, रेक्टेंगल के लेंथ को मान लेता हूं एल, ब्रेथ को मान लेता हूं बी, और रेडियस को मान लेता हूं आर, तो भाई इसका जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा आर प्लस आर टू आर, क्या हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर, और इसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है जी। और अब पता है इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि भाई, इसने ये बोला है कि हम अगर किसी सर्कल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, ऑल रेक्टेंगल, कोई सा भी रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर का, यानी इसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर का एरिया होगा, मतलब यानी ये असल में हमें बोला है रेक्टेंगल, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है कि ये स्क्वायर है, प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये स्क्वायर है। तो भाई हम बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या कहता है, आमने सामने की उनकी जो साइड है वो बराबर, तो भाई स्क्वायर में भी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, मानता हूं चारों बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने वाली बात भी तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है जी। तो यानी हम लिख सकते हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल। तो चलिए यहां पे लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या है भाई एल, एंड द ब्रेथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल बी, एंड रेडियस ऑफ सर्कल तो क्या माना आर, सो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल
तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना है बच्चों, आर प्लस आर, टू आर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाँ जी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर क्या भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर, टू आर का स्क्वायर। ए बी कितना है, एल का स्क्वायर, ये कितना है बी का स्क्वायर, ये कितना होगा फोर आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी एक की वैल्यू निकाल लो जिसका मन करे, मान लो हमने बी की वैल्यू निकाल ली तो कैसे निकालेंगे, फोर आर का स्क्वायर एल स्क्वायर इधर प्लस का इधर आके माइनस बी स्क्वायर। तो हाँ जी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर बच्चों उधर जाके अंडर रूट, तो अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपका बी आ गया, आपके पास क्या आ गया बच्चों बी। नाउ अब उसने क्या बोला है, एरिया को मैक्सिमम करो, क्या करो एरिया को मैक्सिमम, ठीक है जी कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो भाई ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू में ब्रेथ होती है, तो एरिया लेंथ कितनी है एल, ब्रेथ कितनी है अभी निकाला अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एल के, किसके रिस्पेक्ट में करोगे एल के, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो डी ए अपॉन में डी एल, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज माइनस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। डी ए अपॉन में डी एल बराबर एल का डेरिवेटिव वन, तो ये तो एज इट इज रहेगा भाई, एल इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा भाई, अंडर रूट के किसी का भी डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स बनता है, सही बात है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव सबसे पहले तो बनेगा ये फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वन अपॉन टू, ये भी ध्यान रखना वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, फिर अंदर वाली पार्टी का अलग डेरिवेटिव होगा, तो अंदर वाले का करेंगे फोर आर स्क्वायर, तो भाई ये तो इसके साथ कोई एल तो है ही नहीं क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव वो चीज है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा और एल स्क्वायर क्या होगा बच्चों पावर आगे एक कम, ठीक है। तो डी ए अपॉन में डी एल अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एल स्क्वायर अपॉन में टू अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, टू से टू भी खत्म, ठीक है जी। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ अब क्या करेंगे डी ए, अच्छा एक काम करो पहले इसको और अच्छे से लिख लो, डी ए अपॉन में डी एल अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ हाँ जी अब क्या करेंगे, डी ए अपॉन में डी एल बराबर जीरो अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है जी। अब क्या बन जाएगा ये जल्दी बताओ, क्या बन जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सॉरी 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 गड़बड़ होगी बच्चों, यहाँ पे प्लस आएगा, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं बन रही, ठीक है यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है एक पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ भी प्लस आएगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस होगा, अब सही आ रहा है, मैं वही कहूँ क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ठीक है। अब ये माइनस की चीज वहां जाके क्या बन जाएगी बच्चों, प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई, ये इधर क्या कर रहा है डिवाइड, डिवाइड वाली चीज इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या रह जाएगा एल स्क्वायर। हाँ जी रूट की चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो सेम डिजिट आ जाती है, माइनस का एल स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का एल स्क्वायर, तो फोर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर, टू से फोर काटेंगे टू तो टू आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एल का अंडर रूट टू आर स्क्वायर बराबर एल, भाई रूट से बाहर निकालोगे अंडर रूट टू आर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा आर, तो एल की वैल्यू आ गई रूट टू आर। अब ये मत कहना कि स्क्वायर गायब कहां हो गया, गायब नहीं हुआ है, रूट से बाहर निकलेगा तो आर बन जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आर। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, ये हो गया बच्चों हमारा L तक का काम।
फर्स्ट डेरिवेटिव तक का। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एल। तो हाँ जी डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एल स्क्वायर, हाँ जी इसका डेरिवेटिव करो तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अभी अभी बताया 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू, इसके भी डेरिवेटिव होगा अंडर रूट क्या बन जाएगा 4 आर स्क्वायर तो 0 बनेगा माइनस एल स्क्वायर बनेगा 2L, एल स्क्वायर क्या बनेगा 2L। फिर भाई इधर माइनस, यहाँ का जो माइनस है ना वो यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, चलो यहाँ कर देता हूँ माइनस। इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, इन दोनों डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल। तो क्या बन जाएगा भाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर का डेरिवेटिव अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज माइनस एल स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट 4 आर स्क्वायर एल स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बन गया डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एल स्क्वायर बराबर, हाँ जी 2 से 2 कट गया आ गया माइनस एल अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस, अब ये एल स्क्वायर का 2 एल अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और एल स्क्वायर का होगा माइनस 2 एल, ठीक है भाई, क्योंकि 4 आर स्क्वायर तो 0 हो गया और ये बन गया 2 एल, ठीक। अब देखो क्या बनेगा और अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है भाई इससे कट गया तो बच गया 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। चलो यहां तक का नोट करो पहले फटाफट, यहां तक का नोट करो फिर आगे कराऊंगा मैं। चलिए यहां तक का हो गया, अब मैं बच्चों यहां का रब कर रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं यहां का, ठीक है, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं, तो मतलब यहां तक का सारा मिटा रहा हूं मैं, ठीक है जी। अच्छा अब क्या है देखो, तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एल स्क्वायर बराबर माइनस एल अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 एल अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हाँ जी बच्चों माइनस माइनस प्लस लेकिन 2 से 2 कटेगा और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल, तो क्या बन जाएगा एल का क्यूब अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है जी, और अपॉन में 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। करो जरा क्रॉस मल्टीपल, डी डी स्क्वायर ए डी एल स्क्वायर माइनस एल अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस, हाँ जी इसको इससे करोगे तो 2 एल रूट से रूट खत्म, ये बन गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एल का क्यूब, ठीक है जी, अपॉन ये अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर माइनस एल अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो 4 टू जा 8 आर स्क्वायर एल माइनस 2 एल एल स्क्वायर एल एल क्यूब प्लस एल क्यूब अपॉन, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना फ्रैक्शन के नीचे नंबर खिसक के नीचे आ जाता है,
तो ये 4r² - l² की होल पावर 1, और ये अंडर रूट 4r² - l². हाँ जी, अब जल्दी बताओ, d² a / d l² - -l / √4r² - l² - 8r² l। भाई इसमें से ये माइनस होगा, माइनस का एल क्यूब अपॉन, हाँ जी, इसकी पावर 1, और रूट का पावर मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1 और 1/2 कितना होता है जल्दी बता दो, ये होता है बच्चों 3/2। ये क्या होता है बच्चों, 3/2। अब एक काम करना है हमें भैया, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, क्योंकि इसे खोलते रहोगे ये ओपन होता रहेगा। तो सबसे बढ़िया मैक्सिमम प्रूफ करने का तरीका, यही खत्म करते हैं अब इसको, माइनस माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एल अपॉन में अंडर रूट 4r² - l² इसमें से नहीं लिया कॉमन, इन दोनों कॉमन लिया, अंदर बचा प्लस 8r² l / l³ और 4r² - l² की पावर 3/2। ये गया भाई, तो माइनस कॉमन आ गया, जब माइनस कॉमन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन क्या होगा, जीरो। तो हम कहेंगे सो द एरिया एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स आर मैक्सिमम। ठीक है, अब हमें पहले पता तो चले स्क्वायर है भी या नहीं, स्क्वायर प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो अगर एल की वैल्यू √2 / √2r आ रही है, तो बी की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तो बी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। नाउ अब जल्दी से बताओ कि मैंने अभी बी की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों के सामने, तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, बी की वैल्यू मैंने क्या दिलाई, याद दिलाई थी, हाँ जी, 2r² था प्लस l² था प्लस b² था, 4r² था, और ये इधर आके माइनस का l² बन गया, और ये बी अंडर रूट, हाँ जी। तो बी की वैल्यू जो थी बच्चों, नाउ बी की वैल्यू जो थी वो अंडर रूट 4r² - l² थी, यही थी ना बी की वैल्यू, बस बात ही खत्म। फिर 4r² l, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल की वैल्यू है √2r² होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल के ऊपर स्क्वायर है, हाँ जी। बी बराबर अंडर रूट 4r² √2 का 2 और r² का r², 4r² 2r² 2r² हाँ जी, √2 तो √2 रहेगा, r² बाहर निकलेगा r, तो लो जी एल भी √2r आ गया, बी भी √2r आ गया, सो सो एल इज इक्वल टू बी, सो दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। तो ये असल में क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, मुझे पता है थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन क्या करें भाई, लेंदी तो हो गई। ठीक है बच्चों, देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, मात्र 2 क्वेश्चन। नाइनटीन कर लिया, 20 कर लिया, ठीक है, एक 21 और देख लो, फिर खत्म कहानी, ठीक है, अभी इतना ही करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि इसके ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, 4-5 क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, और माइनस प्लस की गलती सुधार के, ठीक है, जैसे चलो मेरे को तो पता चल जाता है कि भाई माइनस प्लस की कहीं गलती हुई है, लेकिन आप लोग भाई अभी नहीं पता कर पाओगे, इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस रखनी है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैंस, देखो भाई क्लोज सिलेंडर है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, सभी का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो
तो कह रहा फाइंड द डायमेंशंस, मतलब रेडियस निकालो और हाइट निकालो, और साथ ही साथ कह रहा है मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ करना है। तो चलिए भाई, अब की बार वॉल्यूम दिया हुआ है हमें और सरफेस एरिया प्रूफ करना है, तो ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सिलेंडर बनाएंगे, ये लो जी सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है। ये इसके रेडियस हमने आर मान ली, ये हाइट हम मान लेंगे एच, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, तो क्लोज सिलेंडर आर, एंड द हाइट, हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर एच, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्लोज्ड सिलेंडर, तो हाँ जी कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और V क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 100। अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो R की या तो H की, लेकिन H आसान दिख रहा है क्योंकि R के ऊपर स्क्वायर है तो रूट का मामला आ जाएगा, तो H की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ किसे प्रूफ करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। हाँ जी कितने होते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, जल्दी बता दो, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एस बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो क्या बचा, तो आपके पास बचा s 2 इंटू में 100, 200 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बनेगा ds अपॉन में dr। बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऊपर अगर कांस्टेंट हो और नीचे अगर ऊपर क्या हो, अगर ऊपर क्या हो कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो, और इसका हमें क्या करना हो डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे, जो भी पावर है नीचे, जो भी पावर है उसके माइनस से मल्टीप्लाई और पावर में एक इंक्रीज, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का पावर आगे एक कम, तो ds अपॉन में dr बराबर माइनस 400 अपॉन r क्यूब प्लस 2 2 जा 4 पाई r, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ds अपॉन में dr बराबर 0। हेलो हेलो, हाँ यार दो तीन बच्चे आ गए, मैं जा रहा हूँ। नहीं रुक जा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2-4 मिनट में। हाँ जी बच्चों एक कॉल आ गया था, सॉरी, माइनस 400 आर क्यूब प्लस 4 पाई आर बराबर 0। भाई माइनस की चीज वहां जाके क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो, प्लस की हो जाएगी, और यह आर क्यूब, 4 से इसको काटेंगे आएगा 100, और r की 3 उधर जाके क्या बन जाएगा, पाई r की पावर 4, क्या बन जाएगा, पाई r की पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा, ये 100, ठीक है, और ये पाई, यहाँ पाई क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, r की 4 100 अपॉन में पाई, क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में पाई। ये ऐसा गड़बड़ जैसा क्यों लग रहा है, हाँ गड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि पाई से पाई काटा, आर से आर काटा, तो आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया, तभी तो यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 होगा, यहाँ एक पावर इंक्रीज करेंगे आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 400 की जगह माइनस 200 होगा, ये माइनस 200 होगा, यहाँ आर स्क्वायर होगा। अब ये सब फिर से करेंगे, ठीक है, कि भाई माइनस की चीज वहां जाके प्लस 200 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी, 4 से इसको काटेंगे तो 50 आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा, आर क्यूब 50, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, आर की पावर, हाँ जी आर की पावर 3, और जब पावर उस तरफ जाती है तो बच्चों रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है, तो आर बराबर आ गया 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू आ गई, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
आर। हाँ जी, करें डिफरेंशिएट डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। हाँ जी, तो मैंने क्या सिखाया है, क्या सिखाया है कि भाई जो भी पावर हो नीचे उसके माइनस से मल्टीप्लाई, और जो भी है पावर इंक्रीज कर दो। प्लस 4 पाई, आर क्या बन जाएगा, 1। तो डी स्क्वायर एस डी आर स्क्वायर प्लस का 400 आर क्यूब प्लस 4 पाई। अब देखो ये भी प्लस में है, पूरी वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। सो द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इज मिनिमम, क्योंकि बच्चों जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मिनिमम आता है। ठीक है, चलिए नाउ अब क्या करेंगे हम। हाँ जी, आर की वैल्यू निकाल ली, एच की निकालनी रह गई, क्योंकि डायमेंशंस निकाल लेते ना, आर निकाल ली एच निकल गया। नाउ एच बराबर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर 100 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये है आर, लेकिन स्क्वायर लगा देंगे तो ऐसे। एच बराबर 100 को बच्चों क्या मैं 50 × 2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, पाई। हाँ जी, करेंगे स्क्वायर तो 50, हाँ जी, अपॉन पाई की पावर क्या बन जाएगा, 1/3 × 2, 2/3, अलग अलग करेंगे। 50 × 2 पाई, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3, पलट के ऊपर। एच बराबर 50 × 2, ये पलट के बच्चों पाई की पावर 2/3, पाई इंटू में 50 की पावर 2/3। हाँ जी बच्चों देखो, ये है पूरे 50 की पावर 1 और ये है पूरे 50 की पावर 2/3, ऊपर आके माइनस हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, 50 की पावर 1 डॉट 50 की पावर -2/3, ठीक है, इंटू में 2। ये है भाई पूरे पाई की पावर 1 और ये नीचे आके क्या बन जाएगा, पाई की पावर -2/3। कैसे? क्योंकि ए की पावर एम जब नीचे आता है तो माइनस का हो जाता है, या जब 1/m की पावर ठीक है ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी ऊपर की पावर नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा और नीचे की पावर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसकी पावर 1, इसकी पावर माइनस में बेस सेम ऐड हो जाएगा, 1 में से 2/3 जाएगा तो कितना आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 2, 1 में से 2/3 जाएगा कितना आएगा, 1/3। तो इट मींस एच की वैल्यू आ गई 2, 50 अपॉन में पाई और दोनों की पावर 1/3। तो ये एच की वैल्यू, एच की वैल्यू मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ 50 अपॉन में पाई 1/3। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यही प्रूफ किया था कि भाई सिलेंडर में जब भी इस तरह का केस आता है तो हाइट जो होती है वो डायामीटर के बराबर होती है। तो देखो क्या ये पूरी वैल्यू आर के बराबर थी? जी बिल्कुल, और रेडियस का डबल ही क्या होता है, डायामीटर के बराबर। तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल क्या है, सेम है। और बच्चों इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिया और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, उतारिए वीडियो पॉज करके, जो ना समझ में आए मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाकी।